Now I request Suman Singh from Sakhi, Bihar. मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथि और सभा कक्ष में उपस्थित सभी हमारे साथियों, मैं बिहार से हूँ और ये मेरा दूसरा सौभाग्य है आप लोगों के साथ आज बात करने का. ये हमारा अपना दुख है कि हमेशा हम कोस्टल की बात तो केंद्र में बहुत ज़्यादा करते हैं, पर जब फ्रेश वाटर की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं कंजूसी कर जाते हैं. अगर हम टेन्योर राइट में एक बात पर ये करें कि सरकार ने, बिहार सरकार ने खासकर काफ़ी अच्छा पिछले साल जो गाइडलाइन तैयार हुआ उसके अंदर 7 साल का उन्होंने टेन्योर किया, वो काफ़ी अच्छा है. लेकिन हम लोगों का संघर्ष अभी जारी है कि वो 10 साल का हो, क्योंकि अभी भी बैंकर्स 7 साल के लिए भी फिशरमैन को या कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस करने को तैयार नहीं है. उनको अभी भी वो छोटा समय लगता है कि इतने समय में मेरा पैसा वापस नहीं होगा. जब हमारी सरकार महिलाओं को रिकग्नाइज नहीं कर रही थी कि महिलाएं कहीं मछली पालन का काम कर सकती हैं, क्योंकि आज भी हमारे जो एक्ट बने हैं, जो हमारे गाइडलाइंस तैयार होते हैं, आप देखिए अभी भी लिखा है फिशरमैन. कभी भी हम कुछ लिखते हैं तो उसके आगे फिशरमैन लिखते हैं, फिशर वुमेन स्लैश भी करके नहीं लिख पाते हैं. बिहार की सरकार कहती है वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे आगे है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वहाँ भी हम दुखी हैं. कृपया मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि यहाँ भी महिलाएँ कम हैं. तो हम जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो हम किसको ध्यान में रख के उसके ऊपर योजना बनाते हैं? कभी हमारे यहाँ बिहार सरकार में आज की तारीख में वो नहीं है. हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी झगड़ा किया और वो अपने समय में नहीं होने दिया. उन्होंने कहा आप तो महिला और पुरुष के बीच में झगड़ा लगा रही हैं, जब उसका पति है ही उसके पति के नाम पर हो ही रहा है तो फिर आप उनकी पत्नियों के लिए क्यों लड़ाई लड़ रही हैं? और वो अपने रहते नहीं किया उन्होंने. हम लोगों ने आकर केंद्र सरकार में अपना अर्जी दिया, यहाँ से एक और ऑफिसर्स गई, वो महिला ऑफिसर्स को भेजा गया, किरण जनेजा उनका नाम था, और उन्होंने जाकर वहाँ इम्प्लीमेंट करके महिलाओं के नाम से कोऑपरेटिव बनाने का अलग से प्रावधान किया. बिहार में जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उनके पास हैंड्स की बहुत बड़ी कमी है. एक डायरेक्टर साहब के पास 38 जिले हैं, अगर ये एक एक दिन भी जाए तो 30 दिन कम पड़ जाएंगे. एक कोऑपरेटिव्स में 700, 800, 1200, कहीं कहीं पे 3000 मेंबर हैं और कहीं पे 200 भी मेंबर हैं, उससे कम तो नहीं है कोई भी कोऑपरेटिव्स. और हर ब्लॉक में एक एक कोऑपरेटिव्स है पूरे बिहार के अंदर, और उनके साथ वो टेन्योर लीज किया जाता है. लेकिन किसी को पता नहीं है कि सच में कितनी महिलाओं को कोऑपरेटिव्स ने सेटलमेंट किया. पर मैं इसलिए इस बात को यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये ओरिएंटेशन ही नहीं है. अगर ये ओरिएंटेशन होता तो जब एग्रीमेंट करते हैं उसी समय कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के पास ये लिखा होता कि हमारे पास 500 है उसमें से 400 महिलाएं हैं या 300 महिलाएं, इतने पुरुष हैं, मेरे पास इतना पॉइंट्स है और उसका सेटलमेंट इतने परसेंट उनको होने चाहिए. अगर आप सर बिहार के फ्रेश वाटर में देखेंगे, यहाँ पे NFDB से भी लोग आए हुए हैं, नबार्ड के भी हैं और अलग अलग एजेंसी से भी लोग हैं, फाओ से भी हैं, आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं. अगर हर साल का हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम एग्रीकल्चर में होता है या अदर सेक्टर्स में, सोशल वेलफेयर का ही अगर बजट देख लें या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ही बजट देख लें, हमको नहीं लगता है कि उसका 10% भी इन्वेस्टमेंट हुआ है आज तक. कोई डोनर्स नहीं है जो फिशरीज के ऊपर अपना पैसा लगाना चाहते हैं. अब NFDB में हमने कई एक बार डायरेक्टर साहब के माध्यम से कोशिश किया, सर ने काफ़ी इंसिस्ट भी किया कि आप वहाँ प्रोजेक्ट डालो, मैं लोन लेके क्यों काम करूं? एक मछुआरा जिसके पास अपना घर नहीं है, लैंडलेस है, सरकार का पॉन्ड लेके उसको फिशरीज का काम करना है, आप कहते हो लोन लेके काम करो, और दूसरी तरफ माल्या जैसे लोगों को आप हजारों करोड़ रुपया दे के बेच देते हो. जिसके पास कुछ नहीं है उसको कर्जा ही दो, जिसके पास सब कुछ है उसको इतना पैसा दे दो कि वसूली करने की भी ताकत नहीं रखते हो. तो मैं उन सभी डोनर्स, जो भी डोनर्स का एक्ट करते हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूं, और खासकर हमारे यहाँ जितनी एजेंसी है, CIFE है, NFDV है, जो फिशरीज के ऊपर एक्सपर्टीज है, काम करते हैं, आप कृपया एक बार बजट एनालिसिस करें. बिहार जैसे राज्य में सर ने कहा 60 लाख ही मान लेते हैं, 60 लाख के ऊपर आपने कितना रुपया खर्च किया है? हमारे यहाँ बहुत काम हुए हैं फिशरीज में, पर आज भी जो डेटा फिशरीज में जो प्रोडक्शन का डेटा है
वो मलाहों के यहाँ से नहीं आता है, मछुआरों के यहाँ से नहीं आता है। हमारे यहाँ एक दूसरा ट्रेंड भी शुरू हो गया है, हमारे यहाँ जो फिशरीज प्रोडक्शन में काम हुआ है अदर देन मछुआरा ने किया है, उसको सरकारों ने भी प्रोत्साहित किया है, बैंकों ने भी प्रोत्साहित किया है। अगर वो काम मछुआरा के साथ भी किया जाता तो वो भी कर पाता, पर उनके साथ शायद हमने वो कोशिश नहीं की है, हमने सेटलमेंट करके उनको छोड़ दिया। मगर जब हम डेवलपमेंट की बात करते तो किसका डेवलपमेंट हुआ? जिसके पास पैसे थे उसी का डेवलपमेंट हुआ, जिसके पास जमीन थे उसी को और जमीन मिला, जिसके पास एक पोखरा था उसने चार पोखरा बनाया। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कि VGSS के अंदर भी अस्पष्टता होनी चाहिए कि अगर हम गाइडलाइन बना रहे हैं, क्या हम प्रो फिशर कम्युनिटी गाइडलाइन बना रहे हैं, प्रो फिशर वुमेन गाइडलाइन बना रहे हैं, और उनके वेलफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पैसा मेरा कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। हमने देखा है अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और एजुकेशन, मगर आप जब तीन चीजों को देखते हैं एक फिशर कम्युनिटी के लिए तो आप देखिए कि पूरे फिशरीज में हर स्टेट के अंदर जो पैसा है, जो बजट है, कितना परसेंट इसके ऊपर खर्च किया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। जहां सरकार के इतने बने बड़े बड़े बेफालतू होर्डिंग्स लगे रहते हैं, हमारे फिशरीज के लिए होर्डिंग्स तक नहीं लगा रहता है। तो जागरूक करने के लिए ही अगर हम पैसा खर्च नहीं करते हैं तो उनके डेवलपमेंट की बात कहां से हम कर पाएंगे? बैंकर्स को तो भैया उनको चाहिए सिक्योरिटी, चाहिए उनको लैंड का, चाहिए FD चाहिए, फिर उनको वो बेचारा मछुआरे कहां से देगा। और मुझे लगता है कि ग्रास रूट पर इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की काफी आवश्यकता है। कोऑपरेटिव भी आज की तारीख में जितनी है तो उसके जो सेक्रेटरी चुन के आते हैं वो एक विधायक से कम इलेक्शन में खर्चा नहीं होता है, वो उतना खर्च करके आता है तो अपने ही भाइयों का वो दोहन भी करता है। तो इसलिए वहाँ एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ उसको अवेयर करने की ज़रूरत है कि उसका राइट क्या है एज ए कोऑपरेटिव मेंबर। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि कोऑपरेटिव में जो 21 लोगों की कार्यकारिणी होती है वो कार्यकारिणी में वो है क्या। हमारे पास अगर ये माइक्रो लेवल योजना नहीं है फिशरीज और फिशर कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, तो हम ऐसे कार्यशाला तो करते ही रहेंगे, इस पर हमारे जैसे लोग आके बोलते ही रहेंगे और फिर कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सर ने कहा था पिछले सत्र में कि डिपार्टमेंट को कैपेसिटी करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है। और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से आए रहते हैं, उनको तो फिशरीज का ज्ञान भी नहीं होता है, वो गाइड करते हैं डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर फिशरीज का एक्सपर्ट होता है उसको वो गाइड करते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि कैसे ये जो है तालमेल विभागीय बैठता है, मुझे नहीं मालूम है। मंत्री तो बेचारा मंत्री ही है, वो जो कह देगा वो लक्ष्मण रेखा है, मानना ही मानना है। तो ये सब इतना घालमेल इस पूरे सेक्टर में है कि जो इसका स्पेशलिस्ट है वो बेचारा ही बना रहता है। तो मुझे लगता है कि सारे इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कम्युनिटी कैसे आगे बढ़े उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने इतना धैर्यता के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।